अगर तुम थप्पड़ नहीं मार सकते, अपनी गर्लफ्रेंड को जहां चाहो वहां छू नहीं सकते, उसे किस नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता वहां कोई इमोशंस हैं। ये वर्ड्स हैं संदीप रेड्डी वांगा के, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2019 में अपनी फिल्म कबीर सिंह रिलीज की थी। कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमें एंटरटेन कम और ऑफेंड ज्यादा किया था। इस फिल्म में वायलेंस और अब्यूज को ग्लोरिफाई किया गया है। इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर को एक चलते फिरते डॉल की तरह दिखाया गया है, जिसके खुद के ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते। एक ऐसी खूबसूरत डॉल जिसे मेल कैरेक्टर ने छोटे और जिद्दी बच्चे की तरह छीन कर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस सब के बाद भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने थिएटर से निकलते वक्त कबीर सिंह को अपना आइडल मान लिया, टू द एक्सटेंट दैट अ टिकटॉकर एंडेड अप किलिंग एन एयर होस्टेस बिकॉज़ शी वाज मैरिंग समवन एल्स, रेजोनेटिंग विद द मूवीज डायलॉग सेइंग दैट जो मेरा नहीं हो सकता उसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। दिल्ली में एक आदमी कबीर सिंह के सर्जन के रूप से इंस्पायर होकर अपनी टिंडर प्रोफाइल पे सर्जन की तरह पोज करने लगा और औरतों को फंसाने भी लगा। क्या आपको पता है कि इन द फील्ड ऑफ सिनेमा इंडिया प्रोड्यूसेस 1500 टू 2000 फिल्म्स पर ईयर, दैट मीन्स वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में मोर देन 145.7 मिलियन पीपल वेंट टू थिएटर्स टू वॉच अ फिल्म, यानी कि 14 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही साल में थिएटर गए थे फिल्म देखने। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फिल्म एंड टेलीविजन आर अ पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया एंड दे इन्फ्लुएंस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे। और पावर के साथ साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे उन लोगों के बारे में आवाज उठाई जा सकती है जो सप्रेस्ड है, जिनके पास इक्वल राइट्स नहीं है और जिनको हर किसी चीज से कंपेयर किया जाता है इंस्टेड ऑफ हु दे एक्चुअली आर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विमेन को मीडिया में सालों से कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है और उसका हम सब पर और देश पर क्या असर हो रहा है। जीना डेविस इंस्टीट्यूट में किए गए 2017 के एक स्टडी से ये पता चला कि बॉलीवुड में 10 में से सिर्फ एक डायरेक्टर फीमेल है एंड एट द सेम टाइम ऑन स्क्रीन टाइम भी जेंडर वाइज डिफर करता है, जहां मेल एक्टर्स को 68.5% ऑन स्क्रीन टाइम मिलता है वहीं फीमेल एक्टर्स को सिर्फ 31.5% ऑन स्क्रीन टाइम मिल पाता है। क्या आप देख पा रहे हो कि इन स्टेटिस्टिक्स से ही हमें पता चलता है कि जब ऑफ स्क्रीन रोल्स यानी कि प्रोड्यूसिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्टिंग में ही फीमेल्स इतनी कम हैं, तो विमेन का पोर्ट्रेयल ऑन स्क्रीन तो स्टीरियोटिपिकल ही होगा, कमिंग फ्रॉम एन एज ओल्ड पेट्रियार्की एंड मेल पर्सपेक्टिव। और इसी डिस्पैरिटी की वजह से इंडिया में कबीर सिंह जैसी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती हैं एंड एट द सेम टाइम आलिया भट्ट की राजी और कंगना रनौत की मनी कर्णिका जैसी फिल्म्स 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाती एंड एट द सेम टाइम तापसी पन्नू की पिंक और थप्पड़ जैसी फिल्म्स जो डोमेस्टिक वायलेंस और कंसेंट की बात करती हैं वो तो 50-60 करोड़ भी नहीं कमा पाती। बॉक्स ऑफिस के ये नंबर्स हमें बताते हैं कि कैसे हमारे देश में लोग पसंद करते हैं आइटम सॉन्ग्स और एक्शन बेस्ड फिल्म्स, चाहे उन फिल्म्स में स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन हो या फिर विमेन को अब्यूज भी किया गया हो। जैसा कि हमने देखा कि ऑन स्क्रीन टाइम वैसे भी विमेन का उनके मेल काउंटर पार्ट से आधे से भी कम होता है और उस थोड़े से टाइम में भी ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सिज्म पीक पर दिखाई देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्म्स दैट डिमीन विमेन वेदर नोइंगली और अननोइंगली। दबंग की ही बात कर लेते हैं, उसमें रज्जो पांडे का एक डायलॉग है वेयर शी सेज, थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से लगता है। सुनने में तो ये बहुत ही पोएटिक साउंड करता है, नहीं? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायलॉग बोला जाता है चुलबुल पांडे के इस डायलॉग के बाद, जिसमें वो कहते हैं प्यार से दे रहे हैं रख लो वरना थप्पड़ भी मार सकते हैं। इस सीन में सिर्फ एक ही चीज रोमांटिक है, जो पीछे चल रहा बैकग्राउंड म्यूजिक, वो क्योंकि यहाँ पे थप्पड़ मारने की बात इतनी आसानी से की जा रही है जैसे
इट डजंट इवन मैटर। यहाँ तो सिर्फ थप्पड़ मारने की बात की गई है, लेकिन कबीर सिंह ने तो अपने लव इंटरेस्ट को थप्पड़ मार भी दिया, लाइक शी इज हिज प्रॉपर्टी। इसलिए लेडीज, बी एवरीथिंग यू वॉन्ट टू बी, बट प्लीज डोंट बी प्रीति सिक्का। उस कैरेक्टर ने कबीर सिंह के किए गए सारे प्यार भरे वायलेंस को अपने ब्लैंक फेस से रिस्पॉन्ड किया, राइट फ्रॉम व्हेन ही किस्ड हर विदाउट हर परमिशन टू व्हेन ही स्टार्टेड चूजिंग हर फ्रेंड्स फॉर हर। थप्पड़ मारने से पहले उसने प्रीति को ये भी कहा कि उसे कोई भी नहीं जानता एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट शी इज हिज बंदी। ये सीन सालों से चले आ रहे एक जेंडर स्टीरियोटाइप को डिपिक्ट करता है, हर वीकनेस एंड सबमिशन टू द डोमिनेंट मैन। रांझना जैसी फिल्म्स तो स्टॉकिंग को ही ग्लोरीफाई कर देते हैं। सिंपल सा प्लॉट होता है, हीरो हीरोइन के पीछे पड़ा रहता है अंटिल द हीरोइन फॉल्स इन लव विद हर स्टॉकर बीइंग सो कंसिस्टेंट। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के 2018 के एक रिपोर्ट के हिसाब से एवरी 55 मिनट्स देयर इज अ न्यू स्टॉकिंग केस रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि साल भर में 9400 से ज़्यादा स्टॉकिंग केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं, ऐसे गानों को ग्लोरीफाई करके स्टॉकिंग को हीरोइक दिखाते हैं, तो वहाँ स्टॉकिंग के केसेस तो बढ़ेंगे ही ना। फिर आती है विमेन को वुमनली डिपिक्ट करने की कोशिश, और वो करने के लिए उन्हें त्याग की मूर्ति की तरह डिपिक्ट किया जाता है। अगर एक माँ का रोल है तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को रेडी रहेंगी, कुछ भी सैक्रिफाइस कर देंगी। अगर वो बहन या बेटी हैं तो वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और अगर एक पत्नी का रोल है तो वो सती सावित्री बनके अपने पति के लिए सब सैक्रिफाइस कर देंगी, और तभी जाके उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑपोजिट दिखाया जाता है फिल्मों में एक और कैरेक्टोरियल स्पीशीज को, जिन्हें हम वैम्प्स के नाम से जानते हैं। इसका ट्रेंड शुरू हुआ था 1930s और 1940s में, जहां पे संस्कारी नारी से मेल गेज को हटाने के लिए दूसरी विमेन को सेक्सुअलाइज करना शुरू कर दिया गया। फिल्मों में वैम्प्स को या तो आइटम सॉन्ग्स परफॉर्म करते दिखाया जाता है, या फिर एज अ प्रोस्टिट्यूट दिखाया जाता है, या फिर विलेन के सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखाया जाता है। उन्हें हैवी मेकअप लगाकर, वेस्टर्न कपड़े पहनाकर हीरो को सेड्यूस करते हुए दिखाया जाता है। बॉलीवुड में वैम्प्स को इरोटिसिज्म से कनेक्ट करके एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इस डिपिक्शन के कारण जो भी औरतें वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं और मेकअप लगाना पसंद करती हैं, उनको वैम्प से रिलेट किया जाता है एंड उनको एक सिडक्ट्रेस की तरह देखा जाता है। दे आर नोन टू ब्रेक फैमिलीज एंड सेड्यूस अ हस्बैंड ऑफ फ्रॉम हिज लॉयल वाइफ। छोटे कपड़े पहनने वाले वैम्प टाइप लोग तो किसी की तरफ लॉयल हो ही नहीं सकते, उनको स्लट शेम किया जाता है, और फैमिली बसाना वो तो बहुत ही दूर की बात है। इस सिनेरियो का सबसे बड़ा एग्जांपल है 2012 की एक फिल्म में, जिसका नाम है कॉकटेल। इसमें एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है तीन लोगों के बीच, जिसमें से पहली थी बोल्ड कॉन्फिडेंट शॉर्ट स्कर्ट पहनी हाथ में बॉटल ली हुई वेरोनिका, अपना चॉकलेट बॉय गौतम जो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट कर लेता था, और एक शाय एंड संस्कारी लड़की मीरा, जिसके पति ने लंदन जैसे बड़े शहर में उसे अबैंडन कर दिया था। गौतम के फ्लर्टिंग स्किल्स देखकर वेरोनिका इंप्रेस हो जाती है और उसे डेट करने लगती है, एंड व्हेन दे डेटिंग ईच अदर, वेरोनिका मीरा पे दया करके उसे अपने घर पे उसके साथ रहने के लिए बोल देती है। गौतम और वेरोनिका की रिलेशनशिप देख के मीरा पहले तो बहुत चौंक जाती है, लेकिन ओवर टाइम शी बिकम्स ओके विद इट। बट तुम ही हो बंधु और सखा तुम ही हो गाने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है स्टोरी में। जब गौतम की माँ उसकी शादी का क्वेस्ट लेकर निकलती हैं, तब गौतम को रियलाइज होता है कि मीरा इज द वन। ये तो बहुत कूल बात है कि फ्लर्ट करने के लिए, डेट करने के लिए कूल सी बंदी वेरोनिका टाइप की बंदी चलती है, लेकिन शादी करने के लिए गौतम वांट्स अ संस्कारी लड़की। ये एटीट्यूड वही घिसे पिटे वैम्प डिपिक्शन से आता है जो हम डेकेड से हमारी मीडिया इंडस्ट्री में दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं आइटम सॉन्ग्स की। पहले जमाने में तो आइटम सॉन्ग्स वर ओनली डन बाय ये वैम्प टाइप कैरेक्टर्स, लेकिन अब तो लीड एक्टर्स भी आइटम सॉन्ग्स परफॉर्म करने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल, माधुरी दीक्षित चोली के पीछे क्या है, कैटरीना कैफ्स शीला की जवानी, प्रियंका चोपड़ाज रामलीला, एंड करीना कपूर्स
फेविकॉल से। अब तो जैसे एक अनरिटन लेकिन मैंडेटरी सा रूल ही बन गया है कि हर बॉलीवुड फिल्म में एक ना एक आइटम सॉन्ग तो जरूरी है। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, टू अट्रैक्ट मोर मेल ऑडियंस इन द थिएटर्स एंड सेटिस्फाई देयर मेल गेज। विजुअली तो हमें पता ही है कि आइटम सॉन्ग्स दिखते कैसे हैं। कैमरा को बार बार वही दो तीन बॉडी पार्ट्स पे फोकस किया जाता है। Now imagine how women must be feeling watching these item songs in a regular film in a theater. Visuals तो चलो ठीक है, ये समझ में आता है कि item songs movie producers use करते हैं as a channel to promote their film. लेकिन lyrics भी women को belittle करते हैं and identify them as mere objects. Favicol से गाने में women को compare किया गया है तंदूरी मुर्गी से, जिसे men alcohol के साथ गटका सकते हैं। एक और गाना है जिसका नाम है आ अंटे अमलापुरम, उसमें लड़की की प्यूबर्टी को कुछ इस तरह डिपिक्ट किया गया है। उम्र मेरी 18 होने चली, हटा दे छिलका तू मेरे दिल का, आ खा ले मूंगफली। इस गाने में सबलिमिनली उस लड़की की वर्जिनिटी को कंपेयर किया जा रहा है टू अ पीनट शेल। और इस जनरेशन का सबसे फेमस आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई, उसमें तो विमेन को जंडू बाम से कंपेयर किया गया है। And then there are songs like कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। इसमें कद्दू को एक लड़की की वर्जिनिटी से कंपेयर किया गया है और सब में बटेगा तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऐसे सॉन्ग्स की लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि ये वीडियो कम से कम एक दो घंटे का बन जाएगा। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सारे सॉन्ग्स हर एक एज ग्रुप को इतने इजीली एक्सेसिबल हैं। शादियों में बारात से लेकर पार्टीज तक हर जगह ये सॉन्ग बजते हैं, जहाँ पे 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के बूढ़े लोग भी इन्हीं गानों पे नाचते हुए दिखते हैं। दीज सॉन्ग्स यूज मेटाफर्स टू ऑब्जेक्टिफाई एंड सेक्शुअलाइज वुमेन, विच इन टर्न नॉर्मलाइज सेक्शुअल अब्यूज इन रियल लाइफ एज वेल। बॉलीवुड और आइटम सॉन्ग्स में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, उस पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेटिव सोसाइटी की मेंटालिटी की जड़ें तो काफ़ी समय से कायम हैं। और यही मेंटालिटी हमें दिखाई देती है फिल्मों और टीवी शोज़ के बीच में ब्रेक्स में रन किए जाने वाले एड्स में भी। यूनिसेफ और जीना डेविस इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी के लिए इंडिया में रन होने वाले 1000 टीवी एंड यूट्यूब एड्स को स्टडी किया था। इस स्टडी के रिजल्ट्स में एड्स में भी जेंडर इनइक्वालिटी साफ दिखाई देती है, जहां पे 11% फीमेल्स आर डिपिक्टेड एज मैरिड इन द एड्स, ओनली 8.8% मेन आर डिपिक्टेड एज मैरिड, 18.7% फीमेल्स आर डिपिक्टेड एज पेरेंट्स, वेयर एज ओनली 5.9% मेन आर डिपिक्टेड एज पेरेंट्स इन दीज एड्स। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का कोई सीन शोकेस करना हो इन एड्स में, तो मेल कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाए जाते हैं एज कंपेयर्ड टू फीमेल कैरेक्टर्स। शॉपिंग, क्लीनिंग और किचन के अंदर और बाहर होने वाली हाउस होल्ड एक्टिविटीज के एड्स में हाउस वाइव्स दिखाई जाती हैं, ना कि हस्बैंड्स, thus creating a gap between gender roles at home. बरसों से मदर्स बहुत ही वाइटल पार्ट रही हैं किसी भी फैमिली का, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है बचपन से कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर द वंस दैट दे शुड बी ड्रीमिंग अबाउट। इसी मेंटेलिटी को आगे बढ़ाते आ रहे हैं ये एड्स, जिसमें विमेन को सिर्फ एक मदरली फिगर की तरह ही दिखाया जाता है। कुछ एड्स में तो विमेन को सेक्सुअलाइज किया जाता है टू सेल products for men. For example, ads that sell perfumes or undergarments for men. यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन soft drink बेचने के लिए women को sexualize करने की क्या जरूरत है? इसका आंसर तो उन एड्स के प्रोड्यूसर्स के पास ही होगा। रिसेंटली एरियल का कैंपेन शेयर द लोड इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप इन द सोसाइटी। जिलेट के एड्स भी मेन और वुमेन दोनों की तरफ बिल्ड हुए स्टीरियोटाइप्स को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश बार्बर शॉप गर्ल्स और मेन क्राई टू जैसे कैंपेन से कर रहे हैं। होपफुली ऐसे स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग एड्स के साथ साथ हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी भी बदलेगी और इवेंचुअली जेंडर स्टीरियोटाइप्स खत्म हो जाएंगे।
बॉलीवुड में पीकू, तुम्हारी सुल्लू, कियन का एंड दिल धड़कने दो जैसी फिल्म्स ने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें उतने वार्मली एम्ब्रेस नहीं किया जितना माचो टाइप फिल्म्स को किया जाता है। हाल ही में पुष्पा नाम की एक मूवी के एक सॉन्ग ने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी भी फिल्म ने या किसी भी आइटम सॉन्ग ने नहीं किया। इंस्टेड ऑफ सैटिस्फाइंग द मेल गेज, दे आर क्वेश्चनिंग इट। वो ये मेन से पूछ रहे हैं कि विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर वेयरिंग, हाउ दे लुक लाइक, व्हाट देयर स्किन कलर इज, होता ही आ रहा है या नहीं। सबसे ज्यादा जेंडर स्टीरियोटाइप्स मीडिया, बॉलीवुड और एड्स में ही देखे जाते हैं, लेकिन समय आ गया है कि हम ये स्टीरियोटाइप्स हमारी मीडिया इंडस्ट्री से बाहर निकालें ताकि हम वो दिखा पाएं और देख पाएं जो हमारे देश को एक्चुअली हेल्प करता है। हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो कि जो भी आपने नोटिस किया हो जेंडर स्टीरियोटाइप ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को इफ यू हैवंट ऑलरेडी।